Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, I'm gonna be showing you a Nykaa haul. I know मैं फिर से haul बना रही हूँ एक and अभी इन लोगों का इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा था शायद सो मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेस की and I think I should make a video about it. So आज मैं आप सबको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ and I will give you a short description about it also. तो उसमें से कुछ products हैं जिनको मैंने repeat purchase किया है and कुछ products हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाए हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट थिंग विच आई बॉट फ्रॉम नायका इज दिस. दिस इज पैंटीन्स ऑयल रिप्लेसमेंट. आई थिंक इट्स इन द क्रीमी फॉर्म. इट्स नॉट वेरी ऑयली, नॉट वेरी थिक और ओके. सो दिस इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस. यू जस्ट हैव टू टेक इट इन टू द पाम एंड यू जस्ट हैव टू थोड़ा सा ऐसे करके एंड देन वी अप्लाई इट ऑन आवर हेयर्स. आई डू नॉट प्रिफर टू अप्लाई इट ऑन माई स्कैल्प. लाइक मैजिक, इससे बिल्कुल भी फ्रिज नहीं आता है. हेयर्स में बहुत सॉफ्ट एंड शाइनी रहते हैं एंड इससे आपके बालों में ग्लो भी आता है एंड यू विल फील ग्रेट. सो आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ सीरम बट नॉट एग्जैक्टली द सीरम सो यू कैन गो विद दिस. इस जब भी हेयर वॉश करते हो उसके पहले लगा सकते हो एंड आफ्टर हेयर वॉश ऑल्सो. इफ यू वॉन्ट टू गेट रेडी एंड यू डोंट हैव much time, so what you can do is you just apply it on your hairs and just leave it for 5 to 10 minutes and then just comb your hair normally. So इससे थोड़ा सा स्टाइलिंग भी हो जाता है बालों में, थोड़ी सी स्ट्रेट हो जाते हैं and it's great. So I will highly recommend this product to you guys. Okay, so moving on to the next product. So इसके बाद मैंने लिया है गार्नियर का मिसेलर वाटर. सो मैंने इसके दो बॉटल्स लिए हैं. पर्सनली मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा अच्छे से मेकअप रिमूव होता है एज़ कम्पेयर टू दिस. बट मुझे दोनों बॉटल्स ट्राई करनी थी. इसको देख रहे हो आप, मैंने आधा ख़त्म भी कर दिया है अभी तक. सो दीज आर अमेजिंग. इसको बस किसी भी कॉटन पैड में आपको थोड़ा सा लेना है एंड जस्ट यू हैव टू वाइप योर फेस. तो जितना भी आपने मेकअप किया हुआ है चाहे वो वाटरप्रूफ हो, इट विल जस्ट रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम योर फेस वेरी इजीली. इससे बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगता है. ऐसा नहीं होता है कि आप बस अपने फेस को स्क्रब किए जा रहे हो बट मेकअप ही नहीं निकल रहा है. दिस इज़ अमेजिंग. और मैं अभी तक सिर्फ यही वाला मैंने मेकअप रिमूवर यूज़ किया है एंड आई एम स्टिक टू दिस. आई जस्ट लव दिस. आई थिंक दिस कॉस्ट फॉर रुपीज़ अराउंड 200. आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्राइज ऑफ दीज बट आई विल मैंशन ऑल द प्राइजेज ऑन द स्क्रीन. ऑल्सो विल ऑल्सो गिव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सो दैट यू कैन फाइंड दम ऑन. ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस. मुझे फ्लावरी फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आप लोगों को भी अगर पसंद है तो यू कैन ट्राई दिस. दिस इज़ शावर जेल फ्रॉम नायका. इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा है. आई जस्ट लव दिस. मैं डेफिनेटली इसके दूसरे फ्रेग्रेंसेस भी ट्राई करने वाली हूँ बट मुझे अभी एक मंगवाना था सो आई थॉट आई शुड ऑर्डर दिस. अगर आप लोगों को भी थोड़ी फ्लावरी फ्रेग्रेंसेस पसंद है देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन. नेक्स्ट थिंग जो मैंने ऑर्डर की है वो है ये. दिस इज़ Maybelline Instant Age Rewind Concealer. It's in the shade 120 Light. So ये मैंने मेरी स्किन टोन के हिसाब से लिया है. आई डोंट नो कितना ज़्यादा मैच होगा बट ऑनलाइन मुझे जितनी भी हेल्प मिली एंड मैंने जितने भी वीडियोज़ वगैरह देखे थे उसमें मुझे लगा कि मेरी स्किन टोन के हिसाब से यही वाला शेड जाएगा. इसके पहले मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाया है वो है ये. मैंने नायका की दो मिनी लिपस्टिक्स ऑर्डर की हैं. एक सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दीज नायका लिपस्टिक्स. दीज आर मिनी लिपस्टिक्स. मैंने इसके पहले तो मैट टू लास्ट लिक्विड लिपस्टिक्स मंगवाई थी नायका की एंड अभी भी मैंने वही वाला शेड लगाया हुआ है. आई जस्ट लव दिस लिपस्टिक्स. नायका की लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, स्पेशली द मैट टू लास्ट लिक्विड लिपस्टिक्स. मैं वही यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से. सो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका पिगमेंटेशन भी एंड द एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो वेरी स्मूथ एंड ईजी. बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दिस स्टिक लिपस्टिक्स, द बुलेट लिपस्टिक्स. बट मैंने सोचा कि ये ऑफर में मिल रही है एंड तो मैं पहले मिनी वाली मंगवा लेती हूँ. अगर मुझे अच्छी लगती है तो फिर मैं इसकी बड़ी पैकेजिंग बुलवाऊँगी. तो मैंने दो कलर्स बुलवाए हैं इसमें. एक तो है 01M, इट्स नोटोरियस रेड एंड द अदर वन इज़ 04M, इट्स रेजी रोज. मैं आपको स्वेचेस बताती हूँ हाउ इट लुक्स. दिस इज़ द मिनी लिपस्टिक. ये बहुत ज़्यादा स्मॉल आई है. इसका आपको अपने हाथ पे स्वेच करके बताती हूँ.
see how pigmented the lipstick is. मैंने अभी तक इसको try नहीं किया है but I think it will look amazing. The shade is a pink shade. It's in the shade 04M and it is called Crazy Rose. So ये वाली भी मैंने mini ही मंगवाई है क्योंकि मैं पहले try करना चाहती थी that अगर मुझे अच्छी लगेगी तो ही मैं मंगवाऊँगी. So this is a slightly different color. It's in the shade pink. It's a beautiful pink shade. ये दोनों ही lipsticks ऐसे हैं जो you can wear it on a daily basis in your office, college. ये बहुत ज़्यादा ऐसा bright and वैसा नहीं लगेगा. So definitely you can try this and मैं suggest करूँगी कि अगर आप first time Nykaa के lipsticks या bullet lipsticks मंगवा रहे हो तो पहले mini वाली मंगवा लो. अगर अच्छी लगती है then बड़ी वाली मंगवाना. द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट इज़ दिस मेबेलिन्स मास्टर क्रोम हाईलाइटर. द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई बॉट इज़ दिस पॉन्ड्स फेस वॉश. इट्स प्योर वाइट फेस वॉश. इट्स विथ एक्टिवेटेड चारकोल. आई हैव सीन सो मैनी रिव्यूज अबाउट दिस एंड आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस प्रोडक्ट. सो आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस एंड आई विल गिव यू अ रिव्यू अबाउट दिस ऑल्सो दैट इट सूट्स मी और नॉट. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई बॉट इज़ दिस बायोटिक hair mask. This is amazing. This is my second bottle. I've been using this from 2-3 months now and I've seen a very good results of this. So अभी मैं हेयर के रूटीन पे भी पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ. सो मैं उसमें आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊँगी बट अभी के लिए आप इसको ऑर्डर कर सकते हो. अगर मैं जैसे एग यूज़ नहीं करती हूँ तो आई यूजली यूज़ दिस विथ कर्ट. सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ अनादर अ लिपस्टिक. दिस इज़ नायका मेट्रोलास लिपस्टिक. इट्स इन द शेड खुफरी. आई वॉज लुकिंग फॉर अ पिंक कलर लिपस्टिक फ्रॉम सो लॉन्ग एंड आई गॉट दिस इन ऑफर. दिस इज़ द पैकेजिंग. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. और ये so this is the applicator. It's very easy to apply this lipstick. I will just quickly show you the swatch. It's very very pigmented. It looks so beautiful. This color is so pretty. I just love this color. I don't know, definitely go with this. This is a matte lipstick but it hydrates your lips. It doesn't get chappy on your lips. Or this is very long lasting. I think it stays for at least 6 to 7 hours without doing anything. So yes, highly recommend this. Thing I purchased from Nykaa is this is the VLCC kajal. I wanted a colored kajal so I went for this. This is a green color kajal and it's pretty inexpensive. I think I got this one for rupees 180 something. So okay, so this is the pencil. This is how it looks. ये बहुत ज़्यादा pigmented भी है. मैं आपको इसको swatch करके बताती हूँ. See, so yeah, can you see the color? This is a beautiful green color. अगर आप लोग black काजल लगा लगा कर बोर हो गए हो सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस. मैं द नेक्स्ट थिंग विच आई बॉट इज़ दिस इज़ द पतंजलि एलोवेरा जेल. दिस इज़ माई टॉप फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट. जो भी प्रॉब्लम हो आपके फेस पे यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस. इसको आप रैशेज के लिए, पिम्पल्स के लिए, रिंकल्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो. आई यूज़ एलोवेरा जेल ऑन अ डेली बेसिस और यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस एज अ सीरम. और what I usually do is I apply this on my face and I keep it for 15 to 20 minutes and I just then wash it off. It feels so soft and it gives your skin amazing results. So the next thing is this is Nykaa's apricot kernel cold pressed oil. I wanted to try this one. This kind of packaging, it comes with a drop and then this is the oil. You can use this in your regular oil. You just have to add 2-3 drops of it in your regular oil and you can also use this on your face. Okay, so the next thing which I bought is this. This is my top favorite product from this haul. Actually my sister gifted this to me but I wanted to show it to you guys. She also ordered it from Nykaa. So this is the Face Shop चिया सीड रेंज. इसमें ये हाइड्रो टोनर आया है, एक हाइड्रो लोशन है एंड वन इज़ द चिया सीड क्रीम.
So I'm this is the travel size pack. You can try this on a trial basis, or agar fir aapko acha lagta hai, then you can go for the bigger versions of this product. Okay, so the last thing which I bought is this. This is Miss Claire's eyebrow pencil. It's in the shade light brown. It comes with this kind of spoolie at the end of this pencil. So that was it for today's video. I hope you guys enjoyed this. If you did, don't forget to like this video, comment down below, and share this video. Also, please subscribe to my channel. I will highly appreciate it, and I will see you guys very soon in my next video. Bye.